दूर पहाड़ों के बीच सुंदरवन नाम का एक घना और खूबसूरत जंगल था। उस हरे भरे सुंदर जंगल में कुछ अद्भुत रंगीन शेर रहा करते थे। वे सभी अद्भुत रंगीन थे। उन सबका सरदार एक सफेद शेर था। उन सभी रंगीन शेरों के पास कुछ अद्भुत शक्तियाँ थीं। वे सभी रंगीन शेर अपनी उन शक्तियों से अपने हरे भरे जंगल और वहाँ रहने वाले जानवरों की रक्षा किया करते थे। उनके जंगल में किसी जानवर को कोई दुख नहीं था। सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हंसी खुशी जंगल में रहा करते थे। वहीं उसी जंगल में एक घमंडी काला बाघ भी रहा करता था। उस काले बाघ को रंगीन शेर बिल्कुल नहीं सुहाते थे। वह जंगल में सबसे अलग रहता था। काला बाघ रंगीन शेरों की सुख संपन्नता को देखकर उनसे ईर्ष्या करता था। वह सभी रंगीन शेरों को मारकर उनके जंगल पर राज करना चाहता था, परंतु लाख कोशिशों के बावजूद भी वह अपने इस मंसूबे में कामयाब नहीं हो पा रहा था। एक दिन सफेद शेर सभी रंगीन शेरों से कहता है, सुनो मेरे भाइयों, कल मेरे पास वाले जंगल के महाराज का संदेश आया है। उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई है, इसलिए मुझे उन्हें देखने के लिए उनके जंगल जाना होगा। मैं एक दो दिन में वापस लौट आऊंगा। तब तक मैं इस जंगल को तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ। तुम सभी जंगल का ख्याल रखना। ऐसा कहकर सफेद शेर वहाँ से चला जाता है। उस समय काला बाघ दूर खड़ा होकर सफेद शेर की यह सारी बातें सुन लेता है। यह देख कर काला शेर मन ही मन बहुत खुश होता है। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा मौका है। सफेद शेर बिल्कुल अकेला होगा, इसके सभी रंगीन साथी भी इसके साथ नहीं हैं। आज मैं इसे अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा दूंगा। ऐसा कहकर काला बाघ भी सफेद शेर के पीछे पीछे जाता है। सफेद शेर अपने जंगल की सीमा पार करने ही वाला था, तभी वह काला बाघ पीछे से आकर सफेद शेर पर हमला कर देता है और सफेद शेर को वहीं जान से मार डालता है। फिर वह काला बाघ सफेद शेर को मारकर उसकी खाल पहन लेता है। अब आएगा मजा, अब मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। अब मैं सफेद शेर बनकर पूरे जंगल में आनंद की जिंदगी बिताऊंगा। ऐसा कहकर वह काला बाघ सफेद शेर की खाल पहनकर रंगीन शेरों के पास आ जाता है। तभी एक रंगीन शेर सफेद शेर से कहता है, महाराज क्या हुआ, आप तो बहुत जल्दी वापस आ गए। आपके मित्र की तबीयत कैसी है, क्या वो ठीक हो गए हैं? हाँ मेरे भाइयों, पास वाले जंगल के महाराज अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। सफेद शेर की यह बात सुनकर सभी रंगीन शेर शांत हो जाते हैं। किसी को उस पर बिल्कुल भी शक नहीं होता। अब अगली सुबह जंगल में हाहाकार मची थी। जंगल में हर तरफ जानवरों की लाशें ही लाशें थी। तब एक गाय सफेद शेर के पास आती है और कहती है, महाराज अनर्थ हो गया, हमारे जंगल की कुछ जानवरों को किसी ने बड़ी बेरहमी से मार डाला। गाय की बात सुनकर सभी रंगीन शेर हैरान हो जाते हैं कि आखिर उनके जंगल में ऐसा कौन कर सकता है। सफेद शेर सभी रंगीन शेरों के साथ उन जानवरों के पास पहुंचते हैं। इतने सारे जानवरों की लाशें देखकर रंगीन शेर हैरान हो जाते हैं। तभी सफेद शेर कहता है, आखिर हमारे जंगल में ऐसा कौन कर सकता है। रंगीन शेरों, तुम्हारे होते हुए किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने हमारे जंगल के जानवरों को इतनी बेरहमी से मार डाला। महाराज आप बेफिक्र रहिए, वह जो कोई भी है हम सब मिलकर उसका पता लगा लेंगे और उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। तब ऐसा कहकर सभी रंगीन शेर अपने अपने काम में लग जाते हैं और जंगल में उस शिकारी का पता लगाने लगते हैं। सभी रंगीन शेर पूरा जंगल छान मारते हैं, परंतु उन्हें उस शिकारी का कोई सुराग नहीं लगता। सभी रंगीन शेर वापस लौटकर सफेद शेर के पास आ जाते हैं। महाराज हमने पूरा जंगल छान मारा, परंतु हमें उस शिकारी का कोई सुराग नहीं मिला। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, आखिर ऐसा कौन कर सकता है। यह सुनकर सफेद शेर कहता है, रंगीन शेरों मैं कुछ नहीं जानता, मुझे जल्द से जल्द उस शिकारी का पता चाहिए। ऐसा कहकर सफेद शेर रंगीन शेरों को डांटने लगता है। ये सुनकर वे सभी रंगीन शेर भी बड़े परेशान हो जाते हैं। अब ऐसे ही रात हो जाती है, सभी रंगीन शेर सो जाते हैं, परंतु वह काला बाघ जो कि सफेद शेर की खाल पहने हुए था वह अभी भी जाग रहा था। दरअसल वह काला बाघ तो सभी रंगीन शेरों के सोने का इंतजार कर रहा था। उनके सोते ही काला बाघ जंगल की ओर निकलता है। उसके वहां से जाते ही रंगीन शेरों की आंख खुल जाती है। सफेद शेर को वहां ना पाकर वे सभी उसके पीछे पीछे जंगल में जाते हैं। जैसे ही वे सब वहां पहुंचते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वे देखते हैं कि सफेद शेर ने कई जानवरों को मार डाला है। यह देखकर सभी रंगीन शेर हैरान हो जाते हैं और चुपचाप वहां से वापस लौट आते हैं और अपनी गुफा पर आकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब सफेद शेर को फिर से यह खबर मिलती है कि जंगल में और जानवरों का शिकार हुआ है, तो यह सुनकर सफेद शेर को बहुत गुस्सा आता है। वह कहता है,
रंगीन शेरो, आखिर यह सब क्या हो रहा है? तुम सभी मिलकर भी उस शिकारी का पता नहीं लगा पा रहे हो। आखिर तुम सब जंगल में क्या कर रहे हो? उस बहरूपे सफेद शेर की बात सुनकर सभी रंगीन शेरों को उस पर गुस्सा आता है, क्योंकि उन सबको तो पहले ही पता था कि यह सब उस बहरूपे शेर ने किया है। महाराज, हमने उस शिकारी का पता लगा लिया है। अच्छा, कौन है वह शिकारी? मुझे बताओ, मैं उसे अभी दंड दूंगा। सफेद शेर, वह शिकारी तू ही है। हम सबको तेरा पता चल चुका है। तू हमारे महाराज सफेद शेर की खाल पहने एक बहरूपिया बाघ है। तेरे इस काले कारनामों के बारे में तो हमें पहले ही पता चल चुका था। जिस दिन तूने हमारे महाराज सफेद शेर को मारकर उसकी खाल पहन ली थी, उस समय हमारे एक वफादार सिपाही चीता ने यह सब देख लिया था और उसने आकर हमें यह खबर दी। और कल रात हमने तुम्हारा पीछा किया और हमारा शक बिल्कुल साफ हो गया। अरे हत्यारे बाघ, तूने यह बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब तुझे हमारे कहर से कोई नहीं बचा सकता। तभी रंगीन शेरों को उस काले बाघ पर बहुत गुस्सा आता है। वे सभी मिलकर एक साथ उस सफेद शेर पर अपनी शक्तियां बरसाते हैं। उनकी शक्तियों से सफेद शेर की खाल काले बाघ के ऊपर से उतर जाती है और वह अपने असली रूप में आ जाता है और रंगीन शेरों की शक्तियों से जलकर वहीं भस्म हो जाता है। इस तरह सभी रंगीन शेर मिलकर उस काले बाघ को मारकर उससे अपने महाराज सफेद शेर की हत्या का बदला ले लेते हैं और फिर सभी मिलकर हंसी खुशी उस जंगल में एक साथ रहने लगते हैं। एक जंगल में बंटी नाम का एक रंगीन बाघ अपनी पत्नी रीना बाघिन और बेटे के साथ रहा करता था। बंटी बाघ बहुत बहादुर, ईमानदार और शक्तिशाली था। बंटी बाघ के पास बहुत सी अद्भुत शक्तियाँ थीं। वह अपनी उन शक्तियों से जंगल के हर जानवर की हमेशा मदद करता था। बंटी बाघ कोई मामूली बाघ नहीं था। उसके पास एक जादुई मणि थी जो बंटी बाघ को उसके पूर्वजों से विरासत में मिली थी। बंटी बाघ उस जादुई मणि से ही सारी शक्तियाँ प्राप्त करता था। वह उस जादुई मणि से जो कुछ मांगता, वह जादुई मणि उसे तुरंत वह चीज दे दिया करती थी और इस तरह वह जंगल के जानवरों की मदद किया करता था और उस मणि का बहुत ख्याल रखा करता था। एक बार ऐसे ही बंटी बाघ के जंगल में कहीं से तीन काले शेर आ जाते हैं। वह तीनों काले शेर दिखने में बड़े ही जालिम और खूंखार थे। वहां आकर वह काले शेर जोर जोर से दहाड़ने लगते हैं। तभी उनमें से एक काला शेर कहता है, अरे भाइयों, यही वह जंगल है जहां वह बंटी बाघ रहता है। सुना है उसके पास एक जादुई मणि है। वह मणि बहुत ही चमत्कारी है। उसके अंदर अद्भुत शक्तियां हैं। वह बंटी बाघ उस मणि से ही शक्तियां प्राप्त करता है और अपनी मनचाही इच्छा पूरी करता है। हाँ भाई, लेकिन चिंता मत करो, हम उसकी जादुई मणि ही तो चुराने यहाँ आए हैं, परंतु हमें थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा। ऐसा कहकर वह तीनों काले शेर अपने एक सेवक भेड़िया को वहाँ बुलाते हैं और कहते हैं, सुनो भेड़िया, तुम हमारे बहुत अच्छे सेवक हो। तुमने सालों से हमारी सेवा की है। अब तुम्हें हमारा एक काम करना है। तुम्हें इस जंगल के राजा बंटी बाघ की जासूसी करनी है और उसकी कमजोरी का पता लगाना है। तुम उस बंटी बाघ की पल पर की खबर हमें लाकर दोगे? ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। तब वह सेवक भेड़िया बंटी बाघ की जासूसी करना शुरू कर देता है। वह बंटी बाघ के पास आता है और अपने मीठे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए बंटी बाघ से कहता है, बाघ महाराज, आप तो बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर हैं। आपके होने से यह पूरा जंगल एकदम खुशहाल है। लेकिन महाराज, अब आपको थोड़ा चौकन्ना रहना चाहिए। यह दुनिया बहुत ही लालची है। आपकी सुख समृद्धि को देखकर आसपास के जंगलों के राजा आपसे जलने लगे हैं महाराज। और मैंने यह भी सुना है, आसपास के कुछ शिकारी जानवर आपको मारने का प्लान बना रहे हैं। इसलिए बंटी महाराज आपको थोड़ा चौकन्ना रहने की जरूरत है। तब भेड़िया की बात सुनकर बंटी बाघ कहता है, अरे नहीं भेड़िया, तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं हो सकता। जब तक मेरे पास मेरे पूर्वजों की यह जादुई मणि है, तब तक कोई भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अच्छा महाराज, ऐसी बात है, परंतु महाराज इस मणि में ऐसा क्या खास है? भेड़िया, मेरी सुख समृद्धि का राज यही मणि ही है। मुझे इस मणि से ही शक्तियाँ मिलती हैं और मैं उनसे जंगल के जानवरों की मदद करता हूँ, और इसलिए मैं इस मणि की हमेशा रक्षा करता हूँ। इसलिए कोई भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अच्छा बंटी महाराज, फिर तो मैं भी आज से आपके साथ इस जादुई मणि की रक्षा करूँगा, चाहे फिर मुझे इसके लिए अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। यह सब बातें करने के बाद जासूस भेड़िया मौका मिलते ही तीनों काले शेरों के पास पहुंचता है और वहां जाकर बंटी बाघ से सुनी सारी बातें उनको बता देता है। तीनों काले शेर बंटी बाघ की कमजोरी अब जान चुके थे। अब तो बस वे तीनों उस जादुई मणि को हासिल करने की योजना बना रहे थे। भाइयों, अब हम उस बंटी बाघ के बारे में सारी बातें जान चुके हैं। इस बंटी बाघ को काबू करने के लिए हमें सबसे पहले उसकी वह जादुई मणि चुरानी होगी। एक बार वह जादुई मणि हमें मिल गई, तो फिर यह सारा जंगल हमारा गुलाम बन जाएगा।
चलो भाइयों, आज रात मिलकर हम इस काम को अंजाम देते हैं और उस जादुई मणि को हासिल कर लेते हैं। ऐसा कहकर वह तीनों काले शेर मौका मिलते ही रात में बंटी बाग की गुफा पर पहुंचते हैं। बंटी बाग को वहां ना पाकर वह तीनों काले शेर उसकी जादुई मणि चुराने की कोशिश करते हैं। वह तीनों उस मणि के पास पहुंचने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु इतनी कोशिशों के बावजूद भी वह तीनों उस मणि तक नहीं पहुँच पाते हैं और थक कर वहीं रुक जाते हैं। अरे भाइयों, आखिर इस मणि में ऐसा क्या है, हम इस मणि तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। तभी इतने में बंटी बाघ वहां आ जाता है। बंटी बाघ को देखकर वह तीनों काले शेर दंग रह जाते हैं। अरे क्या हुआ काले शेरो, क्या तुम्हें ये मणि चाहिए? मूर्ख शेरो, तुम्हें क्या लगा तुम उस भेड़िये को मेरे पास भेजकर मेरी जासूसी करवाओगे और मुझे पता नहीं चलेगा? मैं तो उस भेड़िये के मीठे अल्फाजों को सुनकर ही उसकी चालाकी समझ गया था। उसके जाने के बाद मैंने उसका पीछा करके तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। तब मेरा शक यकीन में बदल गया कि तुम तीनों यहाँ मेरी जादुई मणि चुराने आए हो। परंतु अब समय आ गया है, तुम तीनों जहाँ से आए हो तुम्हें वहाँ भेज दिया जाए। तब ऐसा बोलकर बंटी बाघ अपनी शक्तियों से उन तीनों काले शेरों को एक पिंजरे में कैद कर देता है और उन तीनों को पिंजरे के साथ ही पाताल लोक भेज देता है। इस तरह बंटी बाघ अपनी समझदारी से जादुई मणि की रक्षा करने में सफल होता है और फिर से अपने जंगल में हंसी खुशी रहने लगता है।